पश्चिम बंगालमा ईडी अफिसरमाथि भएको आक्रमणबाट राजु विष्ट आक्रोशित। पश्चिम बंगाललाई बचाउने एकमात्र उपाय राष्ट्रपति शासन लागू गर्नु हो, राजु विष्टको भनाई। This program is brought to you by नागाल्यान्ड सरकार, टियर 500 मन्थली लटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टी। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पश्चिम बंगालको सन्देशखालीमा छापा माने क्रममा ईडी टोलीमाथि भएको आक्रमणप्रति कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै फेरि बंगालमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न माग गरेका छन्। उनले यो हमला स्वतन्त्र एजेन्सीमाथि मात्र होइन भारतको संविधानमा भएको, यो घटनाले पश्चिम बंगालको कानून व्यवस्थाको अवस्थाप्रति सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ भनी बताए। उनले पश्चिम बंगाललाई बचाउने एउटै उपाय राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने हो भनी जानकारी दिएका छन्। ज्ञात रहोस्, आज केन्द्रीय बलसहित ईडी पश्चिम बंगालको सन्देशखालीमा ज्योतिप्रिया मल्लिकको निकट मानिने दुई तृणमूल नेताहरूको घरमा छापा मार्न पुगेका थिए। ईडीका अधिकारीहरू बिहान 7 बजे सन्देशखालीका तृणमूल नेता शेख शाहजहानको सर्बेरिया घर पुगेका थिए। उनीहरू त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै शेख शाहजहाँका समर्थकहरूले उनको घर अगाडि विरोध प्रदर्शन सुरु गर्नका साथै तृणमूल समर्थकहरूले ईडी अधिकारीहरूलाई आक्रमण गरेको बताइएको छ। आज सुबह पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जो घटना घटी बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और आज सिर्फ एक ईडी यानी एक स्वतंत्र एजेंसी के ऊपर हमला नहीं हुआ, आज पश्चिम बंगाल में भारत के संविधान के ऊपर हमला हुआ है, भारत के कानून के ऊपर हमला हुआ है। टीएमसी के बड़े मंत्री, बड़े नेता पहले भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, जनता का पैसा हड़प लेते हैं, और जब उनके ऊपर जांच बैठती है अपने बड़े मंत्री बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के ऊपर हमला करवाती है। और आज की ये दुखद घटना एक बार फिर पूरे देश को पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वास्तविकता को फिर दर्शाया है। मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से, भारत के राष्ट्रपति जी से, कि इस घटना को संज्ञान में ले, तत्काल कार्रवाई करें, पश्चिम बंगाल को बचाएं, पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता को बचाएं, और पश्चिम बंगाल को बचाने का अब एकमात्र विकल्प रह गया है, वो है राष्ट्रपति शासन। तत्काल रूप से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নর্মাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নর্মাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। সোনা মনপুরম লকারে রাখুন, সবাই স্মার্ট হয়ে যান। নাগাল্যান্ড সরকার, টিয়ার 500 স্যাটারডে উইকলি লটারি, পয়লো পুরস্কার 2.5 করোড় গ্যারান্টি, আর ধেরে আকর্ষক পুরস্কার। টিকট 500 রুপিয়া, ড্র 6 জানুয়ারি, পয়লো পুরস্কার কেবল বিক্রি ভয়কা টিকট বাট। টিয়ার 500 স্যাটারডে উইকলি লটারি মা 2.5 করোড় বিজেতা নবকুমার মন্ডল, এ তপাই হুনুন্সে স্পালিও করোড়পতি।